इस्लाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तलावत होशिया नबी की किताब उसका 10वां बाब पहली से तीसरी 7वीं 8वीं और 12वीं आयात तक। इसराइल लहलहाती ताक है जिसमें बहुत फल लगा है, जूं जूं उसके फल फरावान होते गए वो ज़्यादा ज़्यादा मजबा तामीर करता गया, और जिस कदर उसकी ज़मीन अच्छी थी उसी कदर अच्छे अच्छे सतून बनाता गया। उनका दिल दगाबाज है, अब वो मुजरिम ठहरेंगे, वो उनके मजबों को ढा देगा और उनके सतूनों को चूर चूर कर देगा। यकीनन अब वो कहेंगे कि हमारा कोई बादशाह नहीं, क्योंकि जब हम खुदावन से नहीं डरते तो बादशाह हमारे लिए क्या करेगा। सामरा फना कर दिया जाएगा, उसका बादशाह पानी पर तैरती डाली की मानिंद होगा। इसराइल की ऊंची जगहें बर्बाद की जाएंगी और उनके मजबों पर खारदार झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगेंगे। तब वो पहाड़ों से कहेंगे कि हमें छुपाओ और टीलों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो। अपने लिए सदाकत से बो, दीनदारी से काटो, अपनी गैरबाद ज़मीन पर खेती करो, क्योंकि मौका है कि तुम खुदावंद की तलाश करो ताकि वो आए और तुम पर सदाकत बरसाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।